नमस्कार टॉप फाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेश वत्स। गुजरात के वडोदरा में शुरू हुआ देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय। गुजरात के वडोदरा में बने देश के पहले राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल यह वडोदरा स्थित भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी से ही काम कर रहा है। कैलिफोर्निया, बर्कले और कॉर्नेल विश्वविद्यालय जैसे विदेशी पार्टनर्स के साथ यह काम कर रहा है। इस रेलवे विश्वविद्यालय ने अभी 2 ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किए हैं। भारत बंद के एक दिन बाद महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल की कीमत 90 के पार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के एक दिन बाद मंगलवार को महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल की कीमत 90.5 हो गई है और ये कीमत देश के किसी भी शहर में सर्वाधिक है। वहीं दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 80.87 रुपये जबकि मुंबई में 88.26 रुपये हो गई है। सरकार पेट्रोल की कीमतों को इतना न बढ़ाए कि जनता विद्रोह कर दे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष द्वारा आयोजित भारत बंद के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सरकार कीमतों को इतना न बढ़ाए कि जनता विद्रोह पर उतर आए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेट्रोलियम मंत्री से कहना चाहिए कि इस मामले पर पेट्रोलियम मंत्री नहीं आर्थिक मंत्रालय की तरह सोचें। कुक बने पहले और आखिरी टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज। इंग्लिश बल्लेबाज एलिस्टर कुक टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहले और आखिरी मैच में शतक लगाने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि ओवल में जारी भारत के खिलाफ 5वें मैच में सोमवार को 33वां टेस्ट शतक लगाने के साथ हासिल की।